Subscribe and click the bell icon for all the television updates. कहते हैं ना, अगर किसी चीज को सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ है हमारे कसौटी जिंदगी के अनुराग AKA पारसमथान के साथ भी। तभी तो आर्किटेक्चर की पढ़ाई करने वाला ये सीधा साधा इंट्रोवर्ट बच्चा बन गया है हर युवा के दिल की धड़कन। तो चलिए बिना समय गवाए आपको सुना देते हैं कहानी पार्थ की। पार्थ का जन्म हुआ 11 मार्च 1991 को मुंबई में, पर उन्होंने स्कूलिंग किया पंचगनी के स्कूल न्यू एरा हाई स्कूल से। पार्थ हमेशा से ही इंट्रोवर्ट और डीसेंट स्टूडेंट रहे हैं। अपनी स्कूलिंग पूरी करने के बाद पार्थ आ गए मुंबई में आर्किटेक्चर की पढ़ाई करने, फ्रॉम LS रहेजा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। पर कहते हैं ना, जब किस्मत को कोई और चीज मंजूर होती है तो कैसे भी वो चीज मिल ही जाती है। पार्थ का इंटरेस्ट एक्टिंग में बढ़ने लगा और उन्होंने ज्वाइन किया किशोर नमित कपूर एक्टिंग इंस्टीट्यूट। इतना ही नहीं, इसके साथ ही उन्होंने मॉडलिंग जगत में भी कदम रखा और काफी नाम कमाया। आपको बता दें, 2012 में पैंटालून्स फ्रेश फेस का फर्स्ट रनर अप भी रहे थे पार्थ। पार्थ ने शुरुआत की एड फिल्म से, और तो और बड़े ब्रांड्स लाइक क्लोज अप, कोक की एड फिल्म्स का हिस्सा बने पार्थ। पार्थ ने टेलीविजन की दुनिया में डेब्यू किया चैनल वी के शो गुमराह के एक एपिसोड से। इसमें वो बने थे एक मेल प्रोस्टिट्यूट। उसके बाद पार्थ दिखे काफी सारे एपिसोडिक सीरियल्स में, जैसे MTV वेप्ड, ये है आशिकी, सावधान इंडिया, प्यार तूने क्या किया। पार्थ को बतौर लीड एक्टर पहला रोल मिला चैनल वी के सीरियल बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर में, जिसमें उन्होंने निभाया पृथ्वी का किरदार। पर उनको असलियत में पहचान मिली सीरियल कैसी है यारिया से, जिसमें उन्होंने निभाया मानिक का किरदार। इस सीरियल में उनके ऑपोजिट थी नीति टेलर, और लोगों ने उनकी जोड़ी को काफी सराहा भी था। इतना ही नहीं, नीति और पार्थ के डेटिंग रूमर्स तक सामने आने लगे थे, पर दोनों ने कभी इस बात पर नहीं किया कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट। पार्थ की जिंदगी में एक डार्क फेज भी आया। विकास गुप्ता के साथ गे कॉन्ट्रोवर्सी में फंस गए थे पार्थ। 7 दिसंबर 2013 को पार्थ ने टीवी प्रोड्यूसर विकास गुप्ता के खिलाफ मोलेस्टेशन की रिपोर्ट दर्ज किया। इतना ही नहीं, टीवी प्रोड्यूसर एकता कपूर ने भी इस मामले में लिया विकास का साइड, और ये तक कह दिया कि विकास और पार्थ थे एक रिलेशनशिप में। इन सब कंट्रोवर्सी की वजह से पार्थ की देन गर्लफ्रेंड दिशा पाटनी ने भी कर लिया था पार्थ से ब्रेकअप। वाकई ये था पार्थ की जिंदगी का एक बहुत टफ पीरियड। पर कहते हैं ना, बुरा टाइम कभी ना कभी तो टल ही जाता है। तो बस फिर विकास और पार्थ दोनों ने पुरानी बातों को भुलाकर बढ़ा दिया एक दूसरे के सामने दोस्ती का हाथ। पार्थ से जुड़ी एक और कंट्रोवर्सी हुई थी 2017 में, जब एक 20 साल की मॉडल ने उनके खिलाफ लगा दिया था मोलेस्टेशन का इल्जाम। पार्थ ने इन सभी इल्जामों को बेबुनियाद बताया था। खैर, फिलहाल पार्थ है सीरियल कसौटी जिंदगी के 2 का मेन लीड। अनुराग की भूमिका में लोग कर रहे हैं उनको काफी पसंद। इतना ही नहीं, खबर तो ये तक है कि शो में प्रेरणा बनी एरिका को कर रहे हैं पार्थ डेट, और तो और दोनों कर रहे हैं साथ में काफी क्वालिटी टाइम स्पेंड। पार्थ असल जिंदगी में एक सुलझे हुए इंसान है, वो घर में सबसे क्लोज अपनी मॉम के है। हाल ही में 19 अप्रैल 2019 को पार्थ के पिताजी की पुणे में डेथ हो गई, जिस वजह से पार्थ थे काफी उदास। पर कहते हैं ना, जिंदगी तो चलती ही रहती है। पार्थ डेथ के कुछ ही समय के बाद शूट के लिए वापस चले गए। वाकई पार्थ एक बहुत ही साहसी और हिम्मती लड़का है। पार्थ के बारे में एक फन फैक्ट ये भी है कि पार्थ लेफ्ट हैंडेड है। पार्थ को केक्स बहुत पसंद है और उनका फेवरेट प्लेस है पृथ्वी कैफे। पार्थ एक अच्छे एक्टर होने के साथ साथ एक अच्छे सिंगर भी है। अपने कॉलेज के दिनों में वो फैब फाइव नाम के बैंड के लीड सिंगर भी हुआ करते थे। पार्थ अपने क्यूट लुक्स की वजह से है लड़कियों के बीच काफी पॉपुलर, पर वो चाहते हैं लड़कियों के साथ साथ लड़के भी उनके फैन फॉलोइंग का हिस्सा बन जाए। पार्थ हमेशा से ही बॉलीवुड हीरो बनना चाहते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने की है 2016 में एक फिल्म गूगली हो गई। इसके अलावा पार्थ ऑल्ट बालाजी की फेमस वेब सीरीज कहने को है हमसफर 2 में फैजल की भूमिका निभा चुके हैं। आपको मजे की बात बताएं, इस वेब सीरीज में पार्थ ने किया था पूजा बैनर्जी को किस, जहां कसौटी में वो बने हैं भाई बहन। पार्थ एक अच्छे एक्टर होने के साथ साथ है एक बेहद अच्छे सिंगर भी, और तो और पार्थ ने अपनी डेब्यू फिल्म गूगली हो गई के लिए भी गाया है। वाकई पार्थ है काफी मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी।
आप इस बात से कितना सहमत है, अपने कमेंट्स के जरिए हमें जरूर बताएं। साथ ही साथ हमें ये बताएं कि आप आने वाले एपिसोड में किस टेलीविजन स्टार की कहानी सुनना चाहेंगे।